अभी यहाँ पे जो छोटी शेफ है वो टेस्ट करेगी चिकन पकोड़ा। तो सबसे पहले उसने यहाँ पे चिकन पकोड़ा का जब ली थी तो वो गर्म था, तो उसके थोड़े मुंह को गर्म लग गया है, लिप्स को। और अब यहाँ पे मैं उसको थोड़ा ठंडा वाला क्रिस्पी चिकन पकोड़ा दे रही हूँ, तो वो फिर से टेस्ट कर रही है दोनों सॉस पे डिप करके, और उसे ये बहुत अच्छा लगा था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मोमेंट्स किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पकोड़ा, चिकन आलू पकोड़ा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको चाहिए एक बर्तन, और यहाँ मैंने ली हूँ बोनलेस चिकन 300 ग्राम्स। इसे इस तरह से मैंने कट की हूँ, पतला सा इस तरह से, और छोटे से क्यूब के हिसाब से आपको कट करना है। और इसे मैं अब इस बर्तन में ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं प्याज ऐड कर रही हूँ, एक बड़ा साइज का प्याज मैंने ली थी और एक मीडियम साइज का प्याज ली थी। इसे मैंने लच्छेदार कट की हूँ और इसे भी ऐड कर देना है। आलू भी मैंने जितना चिकन है उतना ही मैंने आलू भी ली हूँ, और इसे भी मैंने इस तरह से पतले और क्यूब में कट की हूँ। इसी तरह से कट करना है और इसे भी ऐड कर देना है। अब यहाँ पे मैं हल्की फीकी वाली मिर्ची ले रही हूँ, जो तीखा कम रहती है और लंबी पतली वाली रहती है, लेकिन इसका कलर भी देखो बहुत ही हल्का है। तो यहाँ मैंने 3 हरी मिर्ची बारीक कट करके इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और 1 हैंडफुल मैंने बारीक कटी हुई कोथमीर को अच्छे से वॉश करके इसे कट कर इसको भी ऐड कर देना है, 1 हैंडफुल जितना लेना है कोथमीर। अब यहाँ पे मैं मसाले ऐड करूंगी, तो मसाले इस तरह के हैं कि ये है जीरा। जीरे को मैंने तवे पे अच्छे से भूनी और इसे दरदरा से पीस ली हूँ, ये 1 टेबल स्पून भरकर है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर। अगर आपके पास धनिया अखा है तो उसे भी दरदरा से पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पाउडर का इस्तेमाल की हूँ। अब यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून भरकर नमक ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और ये सारी चीज़ों को पहले ड्राई अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अच्छे से सारा जो मसाले हैं वो चिकन और आलू में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और अब यहाँ पे मैं बाइंडिंग के लिए 1 कप मैदा ऐड कर रही हूँ, और साथ में यहाँ बेसन भी ऐड करना है। तो यहाँ मैंने 10 टेबल स्पून बेसन ऐड की हूँ, मतलब एक बड़ा बॉल। और इन तमाम मटेरियल को पहले अच्छे से ड्राई मिक्स कर देना है। अब यहाँ पे मैं इस वक्त इस स्टेज पे पानी ऐड करूँगी, थोड़ा पानी मैंने यहाँ पे ऐड की हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि चिकन भी है वो अपना खुद का भी पानी रिलीज़ करता है, ऑनियन भी है वो भी अपना पानी रिलीज़ करता है। यहाँ पे थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे चिकन पकोड़ा का जो बैटर है वो रेडी हो चुका है फ्राई होने के लिए। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ना ही ज़्यादा पतला इसका बैटर है ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो चिकन पकोड़ा का इस तरह का बैटर होता है, ना हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। ये देखिए इस तरह से, बस 5 मिनट के बाद मैं इसे फ्राई करूँगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए तेल भी गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक पीस आलू का डाल के देखी थी, तेल कितना गर्म हुआ है। तेल ज़्यादा ओवर गर्म भी नहीं करना है। इस बात का ध्यान देना है कि चिकन जो है वो कच्चा है, उबाला हुआ या रेशेदार नहीं है, तो इसे पकने टाइम जाएगा। आप चाहे तो इसे स्पून की हेल्प से भी इस तरह से डाल सकते हैं। ये देखिए मैं आपको डाल के दिखाती हूँ तेल में, या तो इस पकोड़े को आप हाथों की मदद से भी डाल सकते हैं इस तरह से, जैसे मैं इस तेल में डाल रही हूँ ये चिकन पकोड़ा की बैटर को। तो इस पकोड़े को थोड़ा दूर दूर डालना है, ज़्यादा ओवरलैप भी भरना नहीं है, और इसे अभी हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, वरना फिर जो बैटर हमने डाले वो खुल भी सकते हैं इस तेल में। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, 3 से 4 मिनट बाद मैं यहाँ पे इसे अलट पलट कर रही हूँ। अब एक तरफ मैंने दी हूँ 4 मिनट और दूसरी तरफ भी 4 मिनट हो चुका है पकौड़ा रेडी। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। और अब मैं इसे एक टिश्यू टॉवल में निकाल दूंगी। ये देखिए एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो तैयार है यहाँ पे चिकन पकौड़ा, चिकन आलू पकौड़ा। ये खाने में सच में बहुत ही मज़े का बनता है। कैमरे में देखा
कैसा लगा सफीना? अच्छा लगा। कैसा लगा सफीना? अच्छा। बहुत अच्छा बना। तो सब्सक्राइब करने बोलो। सब्सक्राइब। Thank you, Archie. Thanks for watching. Anna? Thank you, Archie, watching. मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।